दे दूर ना हो। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में गाइस हम एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप कुछ इस तरह का स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको भी इस तरह का स्टेटस क्रिएट करना सीखना हो तो इस वीडियो के अंत तक देखते रहिए, हम आपको बहुत ही ईजी स्टेप में बताएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये हमारा वही एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम कुछ इस तरह का स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम क्यूक एप्लीकेशन है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। हमारा एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, हम कुछ देर वेट करते हैं। इसके बाद गाइस आपको क्रिएट ए वीडियो पर क्लिक करना है, इसके बाद अलाउ कर लेना है। फिर गाइस आपको एक इमेज सेलेक्ट कर लेना है जिसका आपको स्टेटस क्रिएट करना है। जैसे इस इमेज से हमें स्टेटस क्रिएट करना है, इसको सिलेक्ट किए, इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे गाइस आप अपना टाइटल इंट्रो दे सकते हैं, मैं फिलहाल यहाँ पे स्किप कर दे रहा हूँ। यहाँ पे गाइस आपको काफ़ी तरह का टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा, आप जिस भी टेम्पलेट पे स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। मैं फिलहाल आपको डांसिंग में क्लिक करके एक स्टेटस क्रिएट करके दिखा देता हूँ। डांसिंग में क्लिक किए, उसके बाद गाइस आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। फिर गाइस आपको लास्ट में चल जाना है, डुप्लीकेट वाले को 3-4 बार क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस आपको बैक आ जाना है और यहाँ पर वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। इस वाले बटन पे क्लिक करना है गाइस आपको, और सेंड टू फाइल कर ले। हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है, हम कुछ देर वेट करते हैं। तो गाइस हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है, इसके बाद हम काइन मास्टर एप्लीकेशन में आ जाएंगे। इसके बाद हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, 1:1 रेशियो को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइस हम मीडिया पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, ब्लैक को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, फिर इस पेज पे क्लिक करेंगे, इसको कुछ इस तरह से बड़ा कर लेंगे 20 सेकंड तक। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फिर गाइस हम फास्ट में आ जाएंगे, लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और वो वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे जिसको मैंने क्विक ऐप से एक्सपोर्ट की थी। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। ये हमारा वीडियो है, इसको सिलेक्ट किए, काइन मास्टर में ऐड हो चुका है। इसके बाद गाइस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, फिर इस वाले वीडियो पे क्लिक करेंगे, फिर इसके ऑडियो को हम म्यूट कर देंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फिर गाइस हम लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और इसमें एक ब्लैक स्क्रीन का वीडियो को ऐड कर देंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। ये हमारा वीडियो है, इसको सिलेक्ट किए, काइन मास्टर में ऐड हो चुका है। इसके बाद इसको कुछ इस तरह से इसको जूम कर लेंगे। फिर हम नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग पे क्लिक करेंगे और स्किन पे क्लिक कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फिर गाइस हम लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और इसमें एक लिरिक्स वाला वीडियो को ऐड कर देंगे। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारा वीडियो है, इसको सिलेक्ट किए, काइन मास्टर में ऐड हो चुका है। उसके बाद इसको कुछ इस तरह से बड़ा करेंगे और नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग पे क्लिक करेंगे, फिर हम स्किन पे क्लिक कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फिर गाइस हम इस वाले वीडियो पे क्लिक करेंगे और गाइस नीचे जाएंगे, कलर एडजस्टमेंट में क्लिक करेंगे, सिचुएशन को फुल कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फिर इस वाले वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ पे सेट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो फाइनली गाइस हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है, चलिए एक बार प्ले करके देख लेते हैं। हमारा वीडियो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। इसके बाद हम इस वीडियो को लास्ट में आ जाएंगे गाइस, इसके बाद बाकी के मटेरियल को काट के हटा लेंगे, कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और गाइस ट्रिम टू राइट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, देन आपको शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है और अपना क्वालिटी सेलेक्ट कर लेना है, जिस क्वालिटी का वीडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। फिर आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, आपका वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो कर दे लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और दबा दे बेल के आइकन को ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।